अमित शाह के बिहार आते ही सबसे ज्यादा बेचैनी जेडीयू खेमे में मची हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को पहले मुख्यमंत्री आवास बुलाकर 1-on-1 उनसे बातचीत की, उनकी समस्या को सुना और उन्हें भाजपा के खिलाफ चुनाव के मैदान में लड़ने की रणनीति बता दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पाठशाला में पहले विधायकों की हाजिरी लगी और फिर विधान परिषद के सदस्यों की। हालांकि जो विधायक और विधान परिषद के सदस्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री आवास गए थे, बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि अमूमन बुलाया जाता रहा है और हम लोग आते जाते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से विधायक इस बात का आरोप लगाते रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलते नहीं है और उनके अधिकारी उनकी बातें नहीं सुनते हैं। लेकिन पटना में अमित शाह का कार्यक्रम था, लखीसराय अमित शाह गए तो सबसे ज्यादा निशाने पर नीतीश कुमार को लिया। नीतीश कुमार को पलटू राम कहा कि नीतीश इतना पलट चुके हैं कि अब इन पर बिहार के लोगों का भरोसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ शाह ने यह भी कहा कि अगले चुनाव में नीतीश कुमार को वोट नहीं करे जनता दल यूनाइटेड को लोकसभा की 40 सीट से बेदखल कर दिया जाए, बीजेपी 40 की 40 सीट जीते, यह मूल मंत्र अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं को देकर जब दिल्ली लौटे पटना होके तो सबसे ज्यादा बेचैनी नीतीश कुमार की रही। नीतीश कुमार ने आनंद फानंद में अपने विधायकों को बुलाया और अब जो खबर निकल के सामने आ रही है उसमें यह है कि नीतीश विधायक और विधान परिषद के बाद अपने सांसदों की बैठक करने वाले हैं। अपने तमाम सांसद को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम आवास बुलाने वाले हैं और उनके साथ 1-on-1 संवाद करने वाले हैं, उनकी समस्या को सुनने वाले हैं और अधिकारियों को निर्देश देने वाले हैं कि जल्द से जल्द लोकसभा क्षेत्र में जो सांसद जेडीयू के हैं उनकी समस्या सुनकर उसे दूर किया जाए कि 2024 के चुनाव में अगर इन्हें उम्मीदवार पार्टी बनाती है तो कोई शिकायत कोई मलाल जनता के बीच में न रहे अपने उम्मीदवार को लेकर, कोई नाराजगी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को न झेलना पड़े, बीजेपी के सामने कोई कमजोरी न दिखे। इसलिए नीतीश अपने उन तमाम कमजोर कड़ियों को खोज खोज के निकाल रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं, बता रहे हैं कि संभल जाइए, तैयार हो जाइए, कभी भी चुनाव हो सकता है। और भाजपा तो यही दावा कर रही है कि नीतीश इस चुनाव में खत्म हो जाएंगे और बीजेपी के दावों के बीच नीतीश खुद को इकट्ठा करने की कोशिश में है, मजबूत करने की कोशिश में है, अपने उन वोटरों को जोड़ने की कोशिश में है जिनके बदौलत नीतीश कुमार ने कभी सत्ता में जो सुख जो चैन जो नीतीश कुमार ने हासिल किया था वो 2020 के चुनाव में बिखर गया। नंबर 1 की पार्टी नंबर 3 की पार्टी बन गई, जो साथ में थे वो साथ छोड़ दिए, नीतीश फिलहाल अकेला होते चले गए तो अपने विरोधी रहे राजद का साथ लिया और आज महागठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं। नीतीश को सबसे बड़ा जो डर है वो ये सता रहा है कि अगर 2024 के चुनाव परिणाम बिहार में मन मुताबिक नहीं होता है तो फिर देश की सियासत करने की उनकी इच्छा उनके सपने धरे के धरे रह जाएंगे। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने हाल में अपने लोगों की नाराजगी को दूर करने का बड़ा फैसला उठाया है। नीतीश सीएम आवास में अपने नेताओं से 1-on-1 मिलना चाहते हैं, एक एक लोगों की बातें ध्यान से सुनना चाहते हैं, उनकी समस्या का निदान भी तुरंत कराना चाहते हैं। जो शिकायतें अधिकारियों के खिलाफ थी उन अधिकारियों को सीधे तौर पर निर्देश दे दिया, अगर विधायक और सांसदों की नहीं सुनी तो आपकी खैर नहीं। मुख्यमंत्री आवास में मिलने जुलने का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन बड़ा सवाल है
अमित शाह के बिहार आने से नीतीश इतने बेचैन क्यों है? ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।